हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू VFX पॉइंट। आज आप लोगों को मैनिपुलेशन सीखना है, कैसे आप अपने 1-2-3D सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करोगे। जो भी मॉडल आपने बनाया होगा उसको आपको कंट्रोल करना है। ऑब्जेक्ट है ये हमारा, ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को हम पास से देखना चाहते हैं, तो ये देखो हम पास से भी देख रहे हैं। यहाँ पर हम नीचे इसके जाना चाहते हैं, ये देखो हम नीचे भी जा रहे हैं ईज़िली। एंड हम रोटेट इसको घुमाना चाहते हैं, पीछे से भी देखना चाहते हैं इसके पीछे ये कैसा है, दूर भी जाना चाहते हैं और फिर से इसको देखना चाहते हैं, ये देखो। तो ये हम ये किसी भी एंगल से हम इसको देख सकते हैं, और ये अगर दूर है तो पास कर सकते हैं और पास है तो दूर भी कर सकते हैं। ये कैसे हो रहा है कि आप 1-2-3D को कैसे कंट्रोल करोगे, कैसे हम इसके पास जा पा रहे हैं, कैसे इसको मूव कर पा रहे हैं स्क्रीन पे इधर से उधर, कैसे हम इसको रोटेट कर पा रहे हैं जिससे हम पीछे भी देख पाएँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेरा ऑब्जेक्ट कहीं दूर है या पास है तो इसको दूर पास करने के लिए छोटा बड़ा करना है, यानी हमें पूरा सीन छोटा बड़ा करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अपने माउस के मिडिल माउस को, मिडिल माउस यानी MMB या स्क्रॉल भी कहते हैं आप लोग, इसको रोटेट करेंगे आगे और पीछे। तो आप देखोगे कि आपका ऑब्जेक्ट दूर और पास जा रहा है। तो ये तो आपके ऑब्जेक्ट के दूर और पास जाने से हो गया। फिर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, आपको यहाँ रखना है, यहाँ पर, यहाँ पर हमें कोई दूसरा ऑब्जेक्ट रखना है। तो आप इसको मूव करके यहाँ, तो इसको मूव करना हो गया। तो मूव कैसे करेंगे, जो आपका स्क्रॉल बटन है माउस का उसको प्रेस एंड होल्ड करना है, प्रेस एंड होल्ड, और उसको ड्रैग करना है माउस को। तो देखो आप कहीं पर भी अपने ऑब्जेक्ट को रख पा रहे हो सीन पे, ये देखो जहाँ आपको लगे कि वो सुटेबल होगा वहाँ आप उसको रख सकते हो। स्क्रॉल बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखना है और अपने ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी आप रख सकते हो। फिर आप देखोगे इसको रोटेट भी करना है। तो अब आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड के शिफ्ट बटन को, शिफ्ट वाली बटन प्रेस करके रखना है, प्रेस एंड होल्ड, और अपने मिडिल माउस को जो स्क्रॉल बटन है इसको भी प्रेस एंड होल्ड करना है। तो आप मूव करोगे जब माउस को तो आप देखोगे कि हम अपने सीन को रोटेट कर पा रहे हैं, ये देखो ये रोटेट हो रहा है। तो ऐसे करके आप अपने सीन को, अब जल्दी जल्दी आप इसको करोगे स्पीड में थोड़ा, तो आप जैसे आपको ये देखना है पास में जाना है, फिर आपको पूरा देखना है पास, ये दूर आना है, फिर आपको थोड़ा और क्लोज जाना है, फिर इसको यहाँ रखना है, फिर इसको यहाँ रखना है, थोड़ा सा रोटेट करना है, नीचे आना है, केवल नीचे देखना है यहाँ पर। तो ऐसे आप अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर कंट्रोल कर सकते हो सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।